ऑल राइट, सो इट्स 2024 राइट नाउ एंड अभी के टाइम पे मार्केट में बहुत सारे लैपटॉप्स आ चुके हैं, तो काफी कंफ्यूजन भी है कि कौन सा ले कौन सा ना ले, है ना। तो मैंने सभी लैपटॉप्स की माइनर से माइनर डिटेल को कंपेयर किया, तब जाके मैं तुम्हें ये लैपटॉप्स रिकमेंड कर सकता हूँ। वैसे तो सभी लैपटॉप्स लेटेस्ट हैं, लेकिन जो नंबर 1 एंड नंबर 2 पे लैपटॉप है वो मेरा पर्सनल फेवरेट है, उन्हें मिस बिल्कुल भी मत करना। लेनोवो आइडियापैड स्लिम 1। लेनोवो के इस बजट में बहुत सारे लैपटॉप्स आते हैं, बट ये वाला जो लैपटॉप है ये मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज लैपटॉप का प्राइस कम है एंड लैपटॉप की स्पेक्स भी बहुत अच्छी है। लैपटॉप कम्स विद AMD Ryzen 5 5500U प्रोसेसर विद AMD Radeon ग्राफिक्स, 16GB ऑफ रैम एंड 512GB ऑफ SSD स्टोरेज। टॉकिंग अबाउट डिस्प्ले, लैपटॉप कम्स विद 15.6 इंचेस ऑफ फुल HD IPS 300 nits ब्राइटनेस 45% NTSC डिस्प्ले, एंड ये जो चीज है ना भाई, ये मुझे पर्सनली भी बहुत अच्छी लगती है, बिकॉज इस बजट में लैपटॉप्स में यूजुअली 200 nits या फिर 250 nits ब्राइटनेस वाली ही डिस्प्ले मिलती है। ये वाला जो लैपटॉप है इसके अंदर 300 nits की ब्राइटनेस वाली डिस्प्ले मिलती है, तो जो लोग सर्दियों में यार बाहर धूप में बैठ के अपने लैपटॉप को यूज करना चाहते हैं, उन लैपटॉप्स के अंदर तो इतना कुछ दिखाई नहीं देता, बट ये वाला जो लैपटॉप है ये इंडोर एंड आउटडोर के अंदर आपको अच्छी क्लैरिटी देगा। जिन्हें मूवीज देखना अच्छा लगता है, वेब सीरीज देखना अच्छा लगता है, साथ ही में ज्यादा टाइम अपने लैपटॉप पे ही स्पेंड करते हो, तो ये वाला लैपटॉप आपको अच्छा लगेगा। लैपटॉप की डिस्प्ले बहुत अच्छी है एंड लैपटॉप कम्स विद 42 वाट आवर जो बैटरी, एंड लैपटॉप फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। लैपटॉप के साथ आपको बॉक्स में 65 वोल्ट का सुपर फास्ट चार्जर भी मिलेगा, जो कि लैपटॉप को 1 घंटे में 80% तक चार्ज कर देगा, एंड एक बार कंप्लीट चार्ज करने के बाद ये लैपटॉप आपको कंटिन्यूसली यूसेज में 6 घंटे के अराउंड बैटरी बैकअप इजीली दे देगा। एंड लैपटॉप के अदर फीचर्स के बारे में बात करें तो लैपटॉप में फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिलता है, जो पावर बटन है उसके ऊपर ही लेनोवो ने फिंगरप्रिंट सेंसर दे रखा है। साथ ही में लैपटॉप में वाईफाई 5 ब्लूटूथ 5.0 मिलता है। लैपटॉप कम्स विद Office 2021 विद लाइफ टाइम वैलिडिटी, फुल साइज बैकलेट कीबोर्ड, प्राइवेसी सेटर वेबकैम, एंड लैपटॉप का जो वेट है वो है 1.6 kg, तो ये वाला लैपटॉप भी काफी लाइट वेट पतला सा लैपटॉप है। लैपटॉप का प्राइस है 38,000 rupees। इस वाले लैपटॉप का भी बेस्ट बाय Amazon लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर आप वहां से जाके परचेज करते हो तो इस लैपटॉप पे भी आपको डिस्काउंट मिलेगा, तो वहां से जाके इसे जल्दी से परचेज कर लो। Acer Aspire Lite, लैपटॉप के अंदर Ryzen 5 5500U प्रोसेसर मिलता है। ये वाला जो प्रोसेसर है ना भाई, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, इवन Ryzen 5 7000 सीरीज के भी कुछ ऐसे प्रोसेसर्स हैं जिनसे ज्यादा ये परफॉर्मेंस निकाल के दे देता है। प्रोसेसर ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, बाकी डेली यूजेज के जितने भी टास्क होते हैं, इवन अच्छी खासी गेमिंग भी इसमें आप कर सकते हो। कंप्लीटली मेटल बॉडी में ये लैपटॉप आता है, तो काफी ज्यादा ड्यूरेबल भी है, इतने ज्यादा जल्दी स्क्रैचेस वगैरह इस पे नहीं पड़ेंगे। लैपटॉप में 16GB की DDR4 3200MHz की रैम मिलती है। लैपटॉप में रैम के 2 स्लॉट्स हैं, टोटल रैम को 32GB तक अपग्रेड किया जा सकता है। एंड ये जो रैम का क्राइटेरिया है ना भाई, जिनके पास कोई पुराना लैपटॉप भी है या फिर जो डेस्कटॉप पीसी यूज करते हैं, अगर आपके लैपटॉप में रैम के 2 स्लॉट्स है ना, तो दोनों में ही रैम लगा लो। अगर आपको 16GB रैम लगानी है तो दोनों में 8-8GB की रैम लगा लो, अगर आपको 8GB लगानी है तो दोनों में 4-4 लगा लो। अगर दोनों ही रैम स्लॉट्स को फिल करके आप लैपटॉप को यूज करोगे तो आपको ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस लैपटॉप निकाल के देते हैं। ड्यूअल चैनल में जब लैपटॉप रन करता है रैम को, तो ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस आपको निकाल के देगा। बाकी लैपटॉप में 15.6 इंचेस की फुल HD एंटी ग्लेयर प्रोटेक्टिव डिस्प्ले मिलती है, 250 निट्स ब्राइटनेस एंड 45% NTSC। 45% NTSC है तो कलर एक्यूरेसी वाले टास्क तो नहीं होते, बाकी डिस्प्ले की क्वालिटी काफी अच्छी है। एंड लैपटॉप काफी पतला सा है, जो मेटल बॉडी में लैपटॉप होते हैं उनकी एजेस वगैरह काफी ज्यादा रिफाइन होती है, तो थोड़े ज्यादा अच्छे लगते हैं वो। बाकी लैपटॉप में 180 डिग्री की हिंज मिलती है, तो ऐसे लेटाकर भी यूज कर सकते हो। लैपटॉप में 45 वाट आवर्स की बैटरी मिलती है, जिसे एक बार फुल चार्ज करने के बाद ये वाला लैपटॉप आपको 7 घंटे के अराउंड बैटरी बैकअप दे देगा। बाकी लैपटॉप की सारी डिटेल्स आपकी स्क्रीन पे है। इस वाले लैपटॉप में MS Office भी मिलता है, तो जिन्हें MS Office चाहिए भाई तो इसमें मिलता है। लैपटॉप का प्राइस है 38,000 rupees। इस वाले लैपटॉप का बेस्ट बाय Amazon लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके इसे परचेज कर सकते हो। वैसे सभी को ही पता है कि Amazon से कोई भी प्रोडक्ट कैसे ऑर्डर करना होता है, लेकिन जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से Amazon ऐप को डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद ऐप को ओपन करने के बाद उसमें नेम, फोन नंबर, एड्रेस जैसी जितने भी डिटेल्स है सभी डाल के लॉग इन कर लेना है। ये जो वीडियो देख रहे हो इसके डिस्क्रिप्शन में सभी लैपटॉप्स के लिंक दे रखे हैं, जो भी लैपटॉप आपको पसंद है उसके लिंक पे जब आप क्लिक करोगे तो ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। बस यहां से लैपटॉप परचेज हो जाएगा, 2 से 3 दिन में लैपटॉप आपके एड्रेस पर डिलीवर हो जाएगा। जब लैपटॉप आपके हाथ में आ जाए तो
आप पेमेंट कैश ऑन डिलीवरी कर सकते हो, कैश भी दे सकते हो, गूगल पे, पेटीएम, जो भी करना चाहते हो भाई आप कर सकते हो। एंड लैपटॉप का बिल एंड वारंटी कार्ड आपको बॉक्स के साथ ही मिलेगा। नेक्स्ट लैपटॉप इज जेब्रोनिक्स प्रो सीरीज ZNBC 5S। ये वाला जो लैपटॉप है ना, ये मुझे पर्सनली भी बहुत अच्छा लगता है। पहली बात तो जेब्रोनिक्स अपना देसी इंडियन ब्रांड है, एंड अभी के टाइम पे जेब्रोनिक्स ने इंडियन मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे लैपटॉप लॉन्च किए हैं एंड काफी रीजनेबल प्राइस पे। जैसे कि इस वाले लैपटॉप का प्राइस है 40,000 रुपीज, लेकिन फिर भी इसके अंदर इंटेल कोर i7 1255U जैसा पावरफुल प्रोसेसर मिलता है विद 10 कोर्स एंड 12 थ्रेड्स, एंड काफी पतला सा लाइट वेट लैपटॉप है ये। ओनली 1.76 kg लैपटॉप का वेट है एंड कम्प्लीटली मेटल बॉडी में लैपटॉप आता है, तो काफी ड्यूरेबल लैपटॉप है। इतनी जल्दी स्क्रैचेज वगैरह इस पे नहीं पड़ेंगे, आप रफ टफ यूज कर सकते हो। टॉकिंग अबाउट रैम एंड स्टोरेज, लैपटॉप कम्स विद 16GB ऑफ DDR4 रैम एंड 512GB ऑफ SSD स्टोरेज। वेल, ये तो कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि लैपटॉप की रैम को आप कितना अपग्रेड कर सकते हो, लेकिन 16GB की रैम है तो मोर देन इनफ है। लैपटॉप में 15.6 इंच की फुल HD IPS डिस्प्ले मिलती है। डिस्प्ले की ब्राइटनेस एंड NTSC तो कहीं पर भी मेंशन नहीं है, लेकिन दूसरे लैपटॉप से कंपेयर करें तो लैपटॉप की डिस्प्ले कम नहीं है, बहुत अच्छी है। लैपटॉप में अगर आपको मूवीज देखनी है, वेब सीरीज देखनी है, तो भाई कोई भी इशू नहीं है, लैपटॉप की डिस्प्ले बहुत अच्छी है। एंड लैपटॉप में 180 डिग्री की हिंज मिलती है, तो ऐसे कम्प्लीटली 180 डिग्री तक टिल्ट हो जाता है ये। एंड एक चीज और, लैपटॉप का ट्रैक पैड बहुत बड़ा है। जैसे कि यूजुअली मैकबुक में इतना बड़ा ट्रैक पैड होता है, लेकिन जेब्रोनिक्स ने ट्रैक पैड के ऊपर ही फिंगरप्रिंट सेंसर भी दे रखा है एंड ट्रैक पैड भी काफी अच्छा बड़ा दे रखा है। लैपटॉप में 38 वाट आवर्स की बैटरी दे रखी है, जिसे चार्ज करने के लिए आपको लैपटॉप के साथ बॉक्स में 65 वाट का टाइप सी चार्जर भी मिलेगा। तुम इसे लैपटॉप के चार्जर से भी चार्ज कर सकते हो एंड जो फोन का चार्जर है भाई उससे भी चार्ज कर सकते हो, बिकॉज ये लैपटॉप टाइप सी चार्जिंग को सपोर्ट करता है। बाकी लैपटॉप की सारी डिटेल्स आपकी स्क्रीन पे है एंड लैपटॉप का प्राइस है 40,000 रुपीज। ट्रस्ट मी गाइस, बजट सेगमेंट में i7 प्रोसेसर कोई भी लैपटॉप प्रोवाइड नहीं करता। जेब्रोनिक्स कर रहा है तो बहुत बड़ी बात है, हमें भी इसे अप्रिशिएट करना चाहिए, परचेज करना चाहिए, ताकि आगे जाके जेब्रोनिक्स और भी अच्छा काम करे। एंड नंबर 1 पे है लेनोवो आइडियापैड गेमिंग 3। ट्रस्ट मी गाइस, ये वाला जो लैपटॉप है कुछ टाइम पहले 54,000 रुपीज के प्राइस पॉइंट पे सेल हो रहा था, बट अभी इस लैपटॉप पे सेल आ रखी है। ओनली आपको ये लैपटॉप 45,000 के प्राइस पॉइंट पे मिल जाएगा। लैपटॉप के अंदर राइजन 5 5500H जैसा पावरफुल प्रोसेसर मिलता है विद RTX 2050 ग्राफिक कार्ड। एंड ये वाला जो ग्राफिक कार्ड है, ये कोई 45 वोट वाला छोटा ग्राफिक कार्ड नहीं है, ये कम्प्लीट 70 वोट वाला पावरफुल ग्राफिक कार्ड है। एंड मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि जब भी आप कोई बजट में या फिर कोई हाई बजट में गेमिंग लैपटॉप परचेज करो, तो उसमें RTX सीरीज का ही ग्राफिक कार्ड होना चाहिए। जो GTX सीरीज के ग्राफिक कार्ड होते हैं भाई, उनमें इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं मिलती, RTX सीरीज के ग्राफिक कार्ड ज्यादा पावरफुल होते हैं, तो RTX को प्रेफर किया करो। और इस लैपटॉप के गेमिंग FPS देखो भाई, GTA 5 में कितने अच्छे FPS दे रहा है, RDR2 में भाई बहुत अच्छे FPS दे रहा है, और भी गेम्स है इनके भी FPS देखो। तो ओवरऑल इस ग्राफिक कार्ड एंड प्रोसेसर के साथ आप 4K लेवल की एडिटिंग कर सकते हो, ऑनलाइन क्लासेस तो बहुत अच्छे से हो जाएगी भाई। मल्टीटास्किंग करनी है, कोडिंग करनी है, ऐप डेवलपमेंट करनी है, वेब डिजाइनिंग करनी है, एंड इवन म्यूजिक क्रिएशन जैसे जो भारी भरकम एप्लीकेशंस होते हैं भाई, उन्हें भी ये लैपटॉप इजीली रन कर देगा। एंड लैपटॉप में एक छोटा सा ड्रॉबैक ये है कि इसमें ओनली 8GB की रैम मिलती है, जबकि इतने ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर एंड ग्राफिक कार्ड को अपनी मैक्स पोटेंशियल पे वर्क करने के लिए भाई मिनिमम 16GB की तो रैम रिक्वायरमेंट रहती है। तो अगर आप इस लैपटॉप को इसकी मैक्सिमम पोटेंशियल पे यूज करना चाहते हो, तो इसे लेने के बाद इसमें 16GB तक रैम करवा लेना, और रैम का कोई इतना ज्यादा इशू नहीं होता भाई, आप खुद भी यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हो, बहुत ज्यादा इजी है रैम को अपग्रेड करना। एंड रैम को अपग्रेड करने से या फिर स्टोरेज को अपग्रेड करने से वारंटी में कोई भी इशू नहीं आता, रैम एंड स्टोरेज वारंटी के अंदर ही होती है, ये सब लीगल है, आप इजीली इसे अपग्रेड कर सकते हो, इससे आपकी वारंटी वॉइड नहीं होगी। बाकी लैपटॉप का प्राइस है 46,000 रुपीज। अगर आप नीचे दिए गए Amazon लिंक से परचेज करते हो, तो इस लैपटॉप पे भी आपको डिस्काउंट मिलेगा, वहां से जाके इसे इजीली परचेज कर सकते हो। सो दीज आर दी टॉप लैपटॉप्स जो कि आप 40,000 के बजट में परचेज कर सकते हो। सभी लैपटॉप्स के बेस्ट बाय Amazon लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, वहां से जाके आप इन सभी लैपटॉप्स को इजीली परचेज कर सकते हो। एंड अगर आपकी कोई क्वेरी है, आपके मन में कोई डाउट है लैपटॉप से रिलेटेड, तो भाई आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट 12 वीडियो में। गुड बाय।